असम में कार्बी आंगलांग हिंदी भाषी छात्र संस्था और कार्बी आंगलांग हिंदी भाषी संस्था की पश्चिम कार्बी आंगलांग जिला समिति के गठन के लिए एक सभा की आयोजन किया गया था। यह सभा क्षेत्र के टिल्हा बस्ती स्थित विवाह भवन प्रांगण में की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह करीब 9 बजे उक्त संस्थाओं के केंद्र समिति के अध्यक्ष अशोक चौहान और शिव नारायण चौहान द्वारा संस्थान का ध्वज उत्तेलन के साथ हुआ। उसके बाद शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। छात्र संस्थान प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता जवाहर चौहान ने की। सभा में पर्यवेक्षक के रूप में केंद्र समिति के अशोक चौहान, डॉक्टर शिवजी चौहान आदि लोग उपस्थित थे। काफी समय चर्चा के बाद कार्बी आंगलांग हिंदी भाषी छात्र संस्थान के पश्चिम कार्बी आंगलांग जिला समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष धनपाल चौहान और सचिव किरण चौहान, उपाध्यक्ष राजीव यादव को लेकर कुल 27 लोगों को लेकर नई समिति बनाई गई। साथ ही कार्बी आंगलांग हिंदी भाषी संस्था के पश्चिम कार्बी आंगलांग जिला समिति का गठन किया गया, जिसमें सूर्यदेव चौहान को अध्यक्ष और शिव नारायण पाल को सचिव के साथ कुल 26 लोगों को लेकर जिला समिति का गठन किया गया। और इसमें हमारे पोर्टफोलियो में सबसे पहले अध्यक्ष सूर्यदेव चौहान जी हुए, उपाध्यक्ष अशोक चौहान जी, हम लोग इसमें 3 उपाध्यक्ष रखे हैं, पहला उपाध्यक्ष अशोक चौहान जी, दूसरा उपाध्यक्ष रविंदर चौहान जी और तीसरा उपाध्यक्ष बंगाली चौहान जी, साधारण सचिव शिवनारायण पॉल, सहायक सचिव अंकित चौहान, सह सचिव रामदयाल चौहान, सह सचिव संजय चौहान, कोषाध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया चौहान जी को रखे, सांगठनिक सचिव राजाराम चौहान, फिर सांगठनिक सचिव सीताराम चौहान और श्याम बिहारी पाल को बनाया गया है। और असम से कृष्ण कुमार वर्मा की रिपोर्ट।